नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मास्टर मेमोरी डीबी में। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है एमआरटी डोंगल के बारे में। दोस्तों एमआरटी डोंगल कुछ टाइम से प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, तो दोस्तों काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे एमआरटी डोंगल के बारे में कि एमआरटी के ऊपर भी एक वीडियो बनाओ कि ये क्यों वर्क नहीं कर रहा है, क्या इसका रीज़न है और क्या इसको एमआरटी परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका प्राइस कम हुआ है क्या, ऐसे कई क्वेश्चंस थे जो कि एमआरटी के बारे में पूछे गए थे। तो इस वीडियो में दोस्तों आपके जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसका मैं जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स हमेशा मिलते रहे। फर्स्ट दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि एमआरटी डोंगल में क्या इशू आया है और ये क्यों वर्क नहीं कर रहा प्रॉपर। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि एमआरटी डोंगल में ऐसे तीन सेटअप चलते हैं। ऐसे तो देखा जाए दोस्तों इनका एक तो 2.60 वाला जो सेटअप है, तीसरा एक 3 पॉइंट वाला सेटअप है और एक 5 पॉइंट वाला सेटअप है। तो इसमें से दोस्तों इनके दो सेटअप वर्क नहीं कर रहे थे। एक तो 2.60 वर्क नहीं कर रहा था और दूसरा जो था 5 पॉइंट वाला वो वर्क नहीं कर रहा था। इनके 3 पॉइंट वाला जो सेटअप है वो बराबर वर्क कर रहा था, बट दोस्तों अभी 4-5 दिन से 2.60 भी वर्क करने लगा है। इसका रीज़न क्या था मैंने कुछ एक्सपर्ट से पूछा और कुछ डीलर से मैंने कंफर्म किया है, जो कि ऊपर से कंफर्मेशन आया है। इसका रीज़न ये था 2.60 और 5 पॉइंट वाला जो इनका सेटअप है बंद होने का, कि उन्होंने एक हुआवे का जो अपडेट दिया था, हुआवे का जो अपडेट दिया था उसमें IMEI रिपेयरिंग का भी ऑप्शन उन्होंने इनेबल किया हुआ था, तो उसके वजह से उनके ऊपर कुछ लीगल एक्सेस हुए थे, उसके वजह से उनको सेटअप बंद करना पड़ा था। बट दोस्तों अभी वापस से सेटअप उन्होंने वापस से वो रिसॉल्व कर दिया है, हुआवे का जो एरर था वो सॉल्व कर दिया है और वापस से इनका 2.60 सेटअप चालू हो गया है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि एमआरटी डोंगल का प्राइस कम हुआ है क्या। तो दोस्तों हाँ, एमआरटी डोंगल का पहले से, क्योंकि कुछ टाइम से ये बंद चल रहा था, इसलिए क्या हुआ कि मार्केट में इसका डिमांड कम हुआ और वैसे ही कुछ प्राइस इसके कम हो गए हैं। पहले जैसे दोस्तों आप देखते थे कि एमआरटी आपको करीबन 3,600 3,700 के रेंज पे मिलता था, आज के टाइम पे अगर आप एमआरटी खरीद रहे हैं तो 3,300 3,400 के रेंज पे आपको मिल रहा है। तो दोस्तों एमआरटी का प्राइस करीबन 300-400 रुपये कम हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि एमआरटी लेना सही होगा क्या प्रेजेंट टाइम पे। दोस्तों देखिए, काफ़ी लोगों का ये था कि एमआरटी बंद हो गया है, एमआरटी क्लोज हो गया है, एमआरटी अभी आगे नहीं चलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। उनका मार्टवी फॉरम और जीएसएम फॉरम दोनों पे उनका अपडेट्स रेगुलर आ रहा है कि इनका जो ये प्रॉब्लम था वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। वो पहले भी डाल रहे थे कि इनके जो प्रॉब्लम्स है वो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, आप कंटिन्यू रखें एमआरटी को, एमआरटी बंद नहीं हो रहा, इनका ये पहले से ये था और अभी ये कंटिन्यू रहेगा क्योंकि अभी सेटअप वर्क करना चालू हो गया है और इनके नए अपडेट्स भी आएंगे आगे। तो ऐसा नहीं है कि एमआरटी बंद होने वाला है, तो एमआरटी अगर आप लेना चाहते हैं तो परचेस कर सकते हैं, ये बंद नहीं होने वाला। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि एमआरटी डोंगल या अनलॉक टूल में से कौन सा डोंगल लेना, कौन सा टूल लेना सही रहेगा, ये डोंगल लूँ या अनलॉक टूल परचेस करूँ। तो दोस्तों यहाँ पे एमआरटी और अनलॉक टूल दोनों डिफरेंट है, दोनों का सपोर्ट डिफरेंट है। एमआरटी डोंगल आपको मीडियाटेक और ये सब का अच्छा सपोर्ट दे रहा है, अनलॉक टूल में मिक्स सपोर्ट आपको मिल जाएगा। मेरे हिसाब से अगर मुझे खुद परचेस करना होता तो मैं अनलॉक टूल में जाता, क्योंकि इसमें वेराइटीज आपको मिल जाएगी, एमआरटी में आपको सिर्फ मीडियाटेक का सपोर्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं अगर मेरे को खुद परचेस करना होता तो मैं अनलॉक टूल परचेस करता, क्योंकि अनलॉक टूल एक अच्छा सपोर्ट प्रेजेंट टाइम पे दे रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन एमआरटी के रिलेटेड ये पूछा जाता है कि एमआरटी का 2.60 सेटअप चल रहा है और 3 पॉइंट वाला सेटअप चल रहा है, 5 पॉइंट वाला सेटअप स्टार्ट होगा या नहीं। तो दोस्तों 5 पॉइंट वाला भी सेटअप बीच में उन्होंने स्टार्ट किया था, अभी वापस से कुछ इश्यूज आए थे, तो अभी हो सकता है दोस्तों कुछ बग्स हो और कुछ नए अपडेट पे भी हो सकता है वो चालू होगा, लेकिन ये दोस्तों जहाँ तक है कि ये बंद नहीं होने वाला। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे एमआरटी रिलेटेड। एमआरटी के रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस है आपके पास, अगर आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं कि एमआरटी में क्या क्या इश्यूज है, मैं आपको जो भी है उनको जो बनता है मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो
तो ये छोटा सा मेरा क्वेश्चंस जो एमआरटी के रिलेटेड पूछे जा रहे थे, तो उसके लिए मैंने वीडियोस बनाया है। तो आप बताइएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ऐसे ही अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट्स में पूछें, वैसे ही मैं कुछ आपको इसका जो भी मेरे पास बनता है वैसे मैं आपको उसका आंसर ला के देता रहूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।